सामने बैठे हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, आइए इनसे कुछ वार्ता करते हैं। नरेश उत्तम पटेल और हम उत्तर प्रदेश से विधायक हैं। जिस तरीके से श्रीमती रेखा यादव को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया था, वहाँ पर जो श्रीमती रेखा यादव पर्चा वापस लेने पर आ गया, इससे यहाँ की जनता नाराज है बीजेपी की वादा खिलाफी से। बीजेपी ने कहा था कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष देंगे पूरे देश में, अब तक 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। जब लैपटॉप दे रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में कह रहे थे कि झुंझुना दे रहे हैं, तो जो कहती है उसके जैसे उल्टा करती है। अगर 500 कहे तो मान लो 1000 का होगा। इस समय हम लोग एमपी चुनाव में विधानसभा के चुनाव को कवर करने यहाँ पर पहुंचे हुए थे। फिलहाल हम लोग जैसे आपको बता रहे हैं कि राजनगर विधानसभा में हम लोग पहुंचे और सपा के कार्यालय पर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और इसी बीच देखें यहाँ पर नरेश उत्तम पटेल जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के। फिलहाल आइए चले चलते हैं और इनसे कुछ वार्ता करने का प्रयास करते हैं। क्या इनके मुद्दे हैं यूपी से हट करके एमपी में, जो कि इनके कैंडिडेट को कोई वोट देगा? फिलहाल देखिए कार्यालय में बैठे हुए हैं, आइए चले इनसे कुछ वार्ता करते हैं, वार्ता करने का प्रयास करते हैं, जानने का भी प्रयास करते हैं कि एमपी के विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे इनके रहने वाले हैं। सामने बैठे हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, आइए इनसे कुछ वार्ता करते हैं। नरेश उत्तम पटेल और हम उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ये हमारे साथ श्री रमेश पांडे जी हैं, ये आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये उदय प्रकाश यादव जी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और यूजन सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। सर, मध्य प्रदेश के राजनगढ़ विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ के प्रत्याशी हैं ब्रज गोपाल बबलू जी, और लोग कह रहे हैं कि गरीब परिवार बिगड़ दिए हैं, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, हम सबसे पहले तो वीरभूम बुंदेलखंड को नमन करते हैं और खजुराहो में आज टिके थे। विश्व का ये पर्यटक केंद्र है, यहाँ की संस्कृति से दुनिया वाकिफ है। समाजवादी पार्टी समतामूलक समाज बनाने का कृतसंकल्पित है और समाजवाद जब तक नहीं आएगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। हमारी पार्टी ने अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राजनगर विधानसभा से एक सामान्य किसान घर के बेटे ब्रजगोपाल पटेल और बबलू पटेल को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। चुनाव निशान इनका साइकिल है। हम सब अपील करने आए हैं यहाँ की महान जनता से कि आप अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन, अपना सहयोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ब्रजगोपाल पटेल जी को चुनाव चिन्ह साइकिल पर दें, ये हमारी अपील है इस प्रदेश मध्य प्रदेश की जनता से। बगल में बिजावर विधानसभा सीट में जिस तरीके से श्रीमती रेखा यादव को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया था, वहाँ पर जो श्रीमती रेखा यादव पर्चा वापस ले ली, उस पर आप क्या? दुखद है, दूसरी बात दुर्भाग्य है, समाजवादी पार्टी ने अभी ये इसके पहले वाला जो चुनाव था वहाँ पर बबलू शुक्ला राजेश शुक्ला को उम्मीदवार बनाया था। समाजवादी पार्टी साइकिल का चुनाव चिन्ह था, बबलू शुक्ला को अखिलेश यादव जी ने उम्मीदवार बनाया और बबलू शुक्ला समाजवादी पार्टी से विधायक बने और विधायक बन के उन्होंने धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत करने के लिए अपना समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कांग्रेस को दिया था। सर, अभी तक पता नहीं चला क्या वजह रहा कि आखिर वो पार्टी छोड़ दिया। अब वजह तो वो बता पाएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य जो हमारे नेता का था या हम सब कार्यकर्ताओं का था कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं, तो जो भी हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने करके बबलू शुक्ला को बिजावर से चुनाव जितवाया था। राजनगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे और इस बार जो है कि क्या मुद्दा होगा समाजवादी पार्टी को लोग वोट दें यहाँ के? देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ की महान जनता पर भरोसा करती है कि यहाँ की जनता बहुत अच्छी है और बहुत सीधे सज्जन परिश्रमी लोग हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की पूर्व सरकारों ने यहाँ की जनता को कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका जीवन आगे बढ़े, मजबूत हो, इससे यहाँ की जनता नाराज है बीजेपी की वादा खिलाफी से। बीजेपी ने कहा था कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी आज के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म हो जाएगी, तो आप देखिए रसोई गैस का सिलेंडर 350 वाला 1100 का मिल रहा है, डीजल जो 43 रुपये लीटर का था वो कहते हैं 100 रुपये लीटर मध्य प्रदेश में बिक रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया,
दवा महंगी हो गई, पढ़ाई महंगी हो गई और किसान की फसल का मूल्य नहीं मिल रहा जो भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको MSP कहते हैं, MSP की गारंटी की बात भारत के किसान करते हैं। स्वामीनाथन आयोग एक बना था, स्वामीनाथन जी ने अपने आयोग के माध्यम से सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी कि किसान को उसकी लागत का ड्यौरा देना चाहिए, ये रिपोर्ट है। BJP ने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसान को उसकी फसल का लागत से ड्यौरा देंगे, लेकिन स्वामीनाथन जी अभी एक महीने पहले हमारे बीच में दुनिया में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया और किसान को मजबूर कर दिया औने पौने दाम में अपनी फसलें बेचने का। सरकार किसानों की फसल का मूल्य तय करती है तो सरकार का ही तो कर्तव्य है कि उसकी फसल में डाका न पड़े, उसकी लूट न हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश का है कि भारतीय जनता पार्टी छद्म काम करती है, छलावे का काम करती है, भोले भाले अन्नदाताओं को जिस तरीके से ठगा है उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ पर भारी आक्रोश है। मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने यहाँ राजनगर से ब्रजगोपाल पटेल को उम्मीदवार बनाया है, किसान का बेटा है। किसानों से अपील है, नौजवानों से अपील है, नौजवानों से तो ये कहा था कि हम सबको रोजगार देंगे, सबको नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष देंगे पूरे देश में, अब तक 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर सरकारी नौकरियां पूरे 18 साल से भारतीय जनता पार्टी है। सर, मुख्य रूप से लड़ाई किस पार्टी से? लड़ाई हमारी समाजवादी पार्टी के हम उम्मीदवार हैं, हम जनता से अपील करते हैं, जनता से प्रार्थना करते हैं, जो लोकतंत्र में हमको एक तरीका बताया गया है कि आप अपील करिए, अपनी बात कहिए, अपने बात समझाइए, वो हम कर रहे हैं और लड़ाई वो जाने इनके सामने वाले कि वो किससे लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच में हैं, हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम लड़ रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी के लोग विकास का मुद्दा क्या हो गया? समाजवादी पार्टी जब आएगी तो जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी ने एक विशेष तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास किया, जिसकी वजह से अखिलेश यादव की लोकप्रियता, अखिलेश यादव जी की लगातार प्रशंसा हो रही कि अखिलेश यादव का मॉडल देश की दूसरी सरकारों ने अडॉप्ट किया है। जैसे अखिलेश यादव जी जब सरकार में आए 2012 में, उन्होंने गरीब से गरीब बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चों को लैपटॉप दिया। जब लैपटॉप दे रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में कह रहे थे कि झुंझुना दे रहे हैं। उस लैपटॉप से देश दुनिया से जोड़ने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। वो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप 2000 का मोबाइल नहीं खरीद पाते थे, वो लोग 20-25-30 हज़ार रुपये का लैपटॉप लिए। लैपटॉप से, चूंकि तकनीक का जो युग है, तकनीक है, तकनीक से हम जुड़े, हमारे बच्चे जुड़े, तभी हमारा विकास होगा। इस तरीके से अखिलेश यादव जी ने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सड़कें, गुणवत्ता परक सड़कें, बड़ी बड़ी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, अखिलेश यादव जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस 302 किलोमीटर का 22 महीने के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, जिसको देखने लायक है। और इस तरीके से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विद्युत, जो बिजली है, बिजली उत्पादन जस्ट डबल 5 साल में कर दिया, जस्ट डबल, और रेट नहीं बढ़ाया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनिट हमारे प्रदेश में बिजली नहीं बनाई और बिजली महंगी अलग कर दिया। सर, जो है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है भोपाल में आए थे, तो बिन बात रखे कि जितने भी अधिकारी हैं कमर को ध्यान दें, इस बात को जो है कहीं डर तो नहीं है? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की कसम खाते हैं, जब ये राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या मंत्री होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं तो शपथ खाते सत्य निष्ठा की, ईश्वर की शपथ खाते हैं, और ईश्वर की शपथ और सत्य निष्ठा की शपथ का पालन ये लोग नहीं करते हैं। वो काम ऐसे करते हैं कि राग द्वेष बढ़े, जबकि उसमें यह कि राग द्वेष से अलग हट करके काम करेंगे। जो इनके बयान आता रहे, जो इनकी बोली भाषा है, वो लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। सर, लगता नहीं कि चुनौती है, क्योंकि यहाँ जो सरकार शिवराज सिंह चौहान जी मामा जिसे कर रहे हैं, तमाम योजनाएं निकाल रहे हैं, लाडली महंगा कहा, तमाम उसमें योजना अंतर्गत है, और उसमें गैस भी शायद महंगा सस्ता कर दिया है, तो लगता नहीं है कि उसमें चुनौती? गैस महंगी कर दी आप कह रहे, सस्ता कर दिया। अच्छा, एक और बयान आया है कि 500 का गैस मिलेगा छत्तीसगढ़ में। 500 का गैस? 500 का गैस सिलेंडर मिलेगा, इस तरीके से बयान आया है अभी। किसका? भाजपा का। भाजपा का बयान आया? तो भाजपा तो जो कहती है उसके जैसे उल्टा करती है। अगर 500 का है तो मान लो 1000 का होगा। 1000 का।
भाजपा जो कहती है उसके जस्ट विपरीत काम करती है। सर, आपकी पार्टी, आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लगता है यहाँ से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग लगभग 70-75 सीटों में लड़ रहे हैं और हम एक मजबूत विपक्ष देंगे इस प्रदेश में, एक मजबूत विपक्ष देंगे। और इसलिए विपक्ष देंगे कि पक्ष और विपक्ष होता है और सत्ता पक्ष को अगर आईना कोई दिखाता है तो विपक्ष और मीडिया दिखाता है, मीडिया और विपक्ष दिखाता है। हम मजबूत विपक्ष देंगे और मजबूती के साथ गलतियों को उजागर करेंगे और गलतियां करने नहीं देंगे, इस तरीके का वातावरण करेंगे। अगर सीटें आती हैं तो किसी के साथ समाजवादी पार्टी जाएगी गठबंधन? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब लोग जीते, पिछली बार हमारा एक उम्मीदवार जीता, जहाँ सेकुलरिज्म की बात है, जहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात है, जहाँ भारत की सामाजिक समरसता को मजबूत करने की बात है, उस सामाजिक समरसता को मजबूत करना और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने का काम समाजवादी पार्टी का है और वो करेगी।